जी तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। वेलकम टू कुकरी एंड ब्यूटी टिप्स। आप मौजूद हैं सायमा के साथ और आज मैं बनाने जा रही हूँ ज़बरदस्त सी इमली की चटनी, वो भी एक नए अंदाज़ में। तो कैसे बनेगी ये रेसिपी, आइए रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो इमली की चटनी बनाने के लिए यहाँ मैंने लिए आधा पैकेट, और आधा पैकेट को मैंने एक ग्लास पानी के अंदर इसको भिगो दिया। स्पाइसेस में इस्तेमाल करूँगी आधा चम्मच जो है वो मैंने नमक इस्तेमाल किया है, दो चम्मच जो है वो चीनी के जाएंगे, आधा चम्मच जो है लाल मिर्च पाउडर जाएगा, और इसी तरह जो है ज़ीरा और सूखा धनिया, इसको मैंने भून लिया था तवे पे, इसको पीस लिया है, तो आधा चम्मच जो है ये जाएगा, और ग्रीन चटनी इस तरह क्यूब फॉर्म में, ये मैंने इसको फ्रीज़ किए हुए थे। इसकी रेसिपी मैंने आपको बताई हुई है, तो वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो वो इसमें जाएंगे ये दो क्यूब्स इस्तेमाल करूँगी मैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने सबसे पहले पॉट ले लिया, फ्लेम ऑन किए, और ये इमली का जो है वो सब मैं इसमें डाल दूँगी। इसके बाद इसमें मैं नमक, मिर्च और चीनी जो है वो डाल देंगे, और इसको गाढ़ा होने तक हम पकाएंगे। जी तो ये इमली हमारी गाढ़ी हो चुकी है, अब मैं इसको छान लूँगी। बिल्कुल देखिए, ये हमारे पास हासिल हो गए। अब मैं इसके अंदर जो है ज़ीरा और सूखा धनिया मिला दूंगी, और ग्रीन चटनी, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही लाजवाब चटनी है आपकी तैयार होगी। थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख देंगे, और जैसे ही ठंडा होगा हम इसको इस तरह की बॉटल ले लें कोई भी शीशे की, और इसके अंदर फिर हम इसको महफूज करेंगे। जी तो चटनी हमारी ठंडी हो गई है, अब मैं इसको एयर टाइट शीशे के इसमें डालूंगी, क्योंकि शीशे के इसमें जो है चटनी ज़्यादा अरसे तक महफूज रहती है, बजाय जो है प्लास्टिक जार या अदर बॉटल्स के अंदर। इसमें हम 3 से 4 महीने तक इस चटनी को महफूज कर सकते हैं। जी तो ये ज़बरदस्त सी चटनी रेडी हो गई है, बहुत ही मज़ेदार है जायके में। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे। वीडियो मेरी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो को देख पाएँ। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी।